यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। जाट आरक्षण आंदोलन में हुई हिंसा के दौरान दर्ज किए गए केसों में से कुछ केस सरकार वापस लेना चाहती है, लेकिन अगली सुनवाई तक सरकार कोई केस वापस नहीं ले सकेगी। ऐसा क्यों है ये जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए आप। साल 2016 में हिंसक जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज केसों को वापस लेने की हरियाणा सरकार की कोशिशें अभी थम गई हैं। हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में कहा कि अगली सुनवाई यानी कि 11 जुलाई तक राज्य सरकार केस वापसी की कोशिशें नहीं करेगी। एक्टिंग चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस तेजेंद्र सिंह ढींसा के समक्ष सरकार की ओर से ऐसा तब कहा गया जब कोर्ट के संज्ञान में लाया गया कि कुल दर्ज केसों में से 20% को राज्य सरकार वापस ले रही है। ये मामले जाट समुदाय के लोगों के लिए आरक्षण की मांग को लेकर चलाए गए आंदोलन के दौरान गंभीर हिंसात्मक कार्रवाई के बाद दर्ज किए गए थे। मंगलवार को सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी यानी न्याय मित्र अनुपम गुप्ता ने बेंच से कहा कि हरियाणा के 21 जिलों में पुलिस द्वारा दर्ज 2105 मामलों में से 407 केस सरकार वापस लेना चाहती है। गुप्ता ने कहा कि आंदोलन के दौरान बहुत खराब स्थिति में रहे झज्जर जिले में दर्ज 172 में से 82 केस वापसी की बात की जा रही है। वापस लिए जाने वाले मामलों में से 53 FIR आगजनी, नुकसान और लूट आदि के थे। सरकार ने बाद में प्रकाश सिंह कमेटी गठित की थी और परिस्थितियों को बहुत खराब बताते हुए गुप्ता ने कहा कि यहां तक कि सेना भी विफल हो गई। गुप्ता ने कहा वर्दी में तैनात लोगों के हाथ बंधे हुए थे क्योंकि उन्हें गोली न चलाने के निर्देश जारी किए गए थे। परिणाम स्वरूप बलवा हुआ, सेना ने सम्मान खोया। अगर आप ये फॉर्मूला कश्मीर या फिर अन्य हिस्सों में लागू करेंगे तो फिर देश का भगवान ही मालिक है। हिसार का जिक्र करते हुए गुप्ता ने कहा कि 63 में से 36 केस वापस लिए जाने को कहा गया। रोहतक में स्थिति कुछ ऐसी थी। सुनवाई के दौरान ये भी बताया गया कि 1000 से ज्यादा मामलों में शामिल लोगों की पहचान नहीं की जा सकी। गुप्ता ने ये कहा कि किसी भी FIR को वापस लेने की प्रक्रिया सीमित करने की जरूरत है। तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन और अतिरिक्त एडवोकेट जनरल पवन गिरधर ने कहा कि केस वापसी कोई स्वतः प्रक्रिया नहीं है, इसमें ट्रायल कोर्ट की अनुमति जरूरी थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए बेंच ने एडवोकेट जनरल को आदेश जारी किया कि अगली सुनवाई तक केस वापसी की प्रक्रिया न चले। चंडीगढ़ से संवाददाता कुमार रमेश की रिपोर्ट।